everyone. I hope you're all fine, you're all safe. I am Sheena, your educator from Career Success, and today I am back with another video on current affairs. सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर ये जो फ़ोन नंबर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ बैच टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर दी एग्ज़ाम्स. हम सबको पता है, बहुत सारी नोटिफिकेशंस हम सबको देखने को मिली है, चाहे जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, या क्लास फोर की करूँ, या फिर जेके बैंक की करूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं ऑनलाइन हमारे साथ, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फॉर द एग्ज़ाम्स दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ द फ़ोन नंबर फॉर यू. करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है, कॉल ऑन दिस फ़ोन नंबर राइट ऑन योर स्क्रीन, 9419145317, राइट, फॉर ज्वाइनिंग ऑल दी अपकमिंग बैचेस जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए. बात करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की. देखते हैं पहला सवाल हमारे सामने क्या है. Which country is the largest holder of American securities at the end of May 2020? क्या सवाल पूछ रहा है आपसे कि कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट होल्डर बन गई है अमेरिकन सिक्योरिटीज़ की एट द एंड ऑफ मे 2020? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं चाइना, इंडिया, जापान या फिर रशिया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जापान. ठीक है, राइट, इसका आंसर आपके सामने था ऑप्शन नंबर सी दैट इज जापान. So, अब मैं नाम लेती हूँ उन लोगों के जिन्होंने मुझे प्रीवियस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था. दोज हु हैव जॉइंड मी टुडे, उनके लिए बता दूँ कि वीडियो के लास्ट में डेली एक सवाल पूछा जाता है, उसके चार ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, एंड यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट्स मुझे देते हैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में एज विनर्स ज़रूर अनाउंस किया जाता है. तो कल के क्वेश्चन का जिन्होंने मुझे राइट आंसर दिया था वो हैं शाह एजाज, शेख इशफाक, आदि, निशी, आमिर, अरशद, इशरत, महराज, डार नसीर, साकिब बाबा, रिया एंड उमर. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू हैव गिवन मी द राइट आंसर्स फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. आई होप आपने आज की भी ये वीडियो फॉलो की है. अगर आपने आज का करंट अफेयर्स देखा है मेरे साथ इस वीडियो में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा येस, सो दैट आई कुड नो कि आप जो है प्रिपरेशन अप टू डेट रख रहे हैं और किसी दिन का भी करंट अफेयर्स आप मिस नहीं कर रहे हैं. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन. आपको बताना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है आउटसाइड द पोलर रीजन. ऑप्शंस है गंगोत्री ग्लेशियर, लैमर्ट फिशर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या फिर रेथोंग ग्लेशियर. इसका बता दूँ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड. The Cotton Corporation of India CCI is to be set up its own cotton warehouse in which country? The Cotton Corporation of India आपको बताना है किस कंट्री में अपना कॉटन वेयरहाउस जो है स्टार्ट करने वाला है. ऑप्शंस आर बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम या फिर सिंगापुर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वियतनाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द UN वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट विच टू कंट्रीज वर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलीगल टाइगर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. इलीगल टाइगर प्रोडक्ट्स के मेन सप्लायर्स कौन सी दो कंट्रीज थी एज पर द UN वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट. ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है इंडिया एंड थाईलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है Which country has launched a fitness drive to reduce the mortality rate of COVID-19? Mortality rate का मतलब होता है जिन लोगों की डेथ होती है out of this pandemic COVID-19. कौन सी कंट्री ने एक फिटनेस ड्राइव लॉन्च की है टू रिड्यूस दिस रेट. ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील या फिर ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो ब्राज़ील. एंड ऑप्शन नंबर बी आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम. एंड यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर का नाम बोरिस जॉनसन. विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA रिपोर्ट. आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है.
एज ऑन जुलाई 2020 व्हाट इज द एवरेज कंप्लीशन ऑफ टाइम ऑफ हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम बेसिकली क्या है? ये उन लोगों के लिए है जिनके खुद के घर नहीं होते, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, असिस्ट करती है घर बनाने में. आपको बताना है एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है. ऑप्शंस आर 514 डेज, 114 डेज, 235 डेज या फिर 466 डेज. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट, 114 डेज. 114 डेज में इसका कंप्लीशन टाइम है. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना जो ये ग्रामीण जो ये स्कीम है राइट गवर्नमेंट की, इसके बारे में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो डू शेयर दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनर्जी फर्म इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन जुलाई 2020. जुलाई 2020 में एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड की बिगेस्ट एनर्जी फर्म कौन सी है? ऑप्शंस आर सऊदी अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एग्जॉन मोबिल या फिर बीपी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की ही एक कंपनी है. क्वेश्चन नंबर 9th इज फ्लिपकार्ट क्विक इज अ क्विक डिलीवरी सिस्टम लॉन्च बाय फ्लिपकार्ट इन विच इंडियन सिटी. फ्लिपकार्ट यू नो इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट जिससे आप क्या करते हैं, आप ज़रूरी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं. यू हैव टू टेल कि किस इंडियन सिटी में इसने क्या लॉन्च कर दिया है. फ्लिपकार्ट क्विक, फ्लिपकार्ट क्विक नाम से जो ये इन्होंने स्टार्ट की है, जो ये सिस्टम स्टार्ट किया है, इसके थ्रू क्या होगा कि डिलीवरी क्विक होगी, डिलीवरी फास्ट होगी गुड्स की. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेंगलुरु. चलिए क्वेश्चन नंबर 10th इज ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. आपको बताना है ग्लोबल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है. ऑप्शंस आर 26th जुलाई, 14th जून, 29th जुलाई या फिर 24th जुलाई. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 29th जुलाई. एंड व्हाट डू यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल कि इस साल की थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स व्हाट वर्ल्ड टाइगर डे या फिर ग्लोबल टाइगर जो डे है. चलिए अब हम पहुंच गए हैं लेट सी हु नो सीरीज. जो लोग मुझे मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्हें पता है ये व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना है. और अगर आपने मुझे राइट आंसर दिया तो आपको पता है जैसे आज के वीडियो में अनाउंस हुए हैं विनर्स के नेम, उसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर होंगे. क्वेश्चन इज बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इज इन विच स्टेट. बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क नाम से एक पार्क है, ये किस इंडियन स्टेट में है? गुजरात, कर्नाटका, उत्तराखंड या फिर बिहार. राइट, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव गिव मी द आंसर टू. ठीक है, यू हैव टू रिप्लाई, आपको बताना है. इसके साथ साथ मेरे को ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है या जो लोग मुझे पहले से इस करंट अफेयर्स का सेक्शन मुझे जो है फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि हाउ दिस सेक्शन हैज़ हेल्प्ड यू. क्या बताना है आपको कि इस सेक्शन ने जो ये करंट अफेयर्स की सेक्शन हमने स्टार्ट की है, दैट इज़ गॉट अ वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल. यू हैव टू टेल मी हाउ दिस सेक्शन हैज़ हेल्प्ड यू. ठीक है, हाउ दिस सेक्शन हैज़ बेसिकली हेल्प्ड यू आउट विद योर स्टडी. इसके साथ साथ आपको बता दूं, आपको डिटेल तरीके में करंट अफेयर्स जो है बैचेस में करवाया जाता है, बैचेस में आपकी क्लासेस होती हैं प्रॉपरली. देखिए करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है, मैं हर बार आपको बता नहीं सकती हूँ बिकॉज टाइम की कमी रहती है, तो उस वजह से आई कैनॉट टेल यू हमेशा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन. बट आज आई वॉन्ट टू टेल यू, दोज हु आर नॉट फॉलोइंग दिस वीडियो, डेली इसको फॉलो कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि जिन जिन लोगों की प्रिपरेशन हो रही है उनको इस वीडियो से ज़रूर एक बूस्ट मिलेगा. करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. डायनमिक है, वास्ट है, स्टैटिक नहीं है, डेली चेंज होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. आई एम शीना, योर एडुकेटर, एंड आई शेल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गॉड ब्लेस यू ऑल.